और जयपुर के स्कूल में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अभिभावक चिंतित हैं और स्कूल पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगा रहे हैं। सावधानी बरत लीजिए, पूरा टेस्ट हो गया और पूरा कंप्लीट, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। स्कूल को बंद करने के लिए भी एजुकेशन मंत्री, माननीय मंत्री जी ने कह दिया। जयपुर के स्कूल में फूटे कोरोना बम के बाद अभिभावकों के साथ साथ सरकार भी टेंशन में है। सरकार एक बार फिर से हॉस्टल बंद करने पर विचार कर रही है, तो वहीं स्कूल प्रशासन भी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। स्कूल को फिलहाल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है और बाकी बच्चों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ भी आए हैं, ब्लॉक सीएमएचओ भी आए हैं, प्रभारी भी आई है, मेडिकल की पूरी टीम इसको लेके बिल्कुल मुस्तैद है। स्कूल में फूटे कोरोना बम के बाद अभिभावक भी गुस्से में हैं। स्कूल में कोरोना संक्रमण फैलने का जिम्मेदार अभिभावक स्कूल प्रबंधन को ही मान रहे हैं। मीडिया की तरफ से मालूम पड़ा तो हम उन्हें लेने आए। कितना चिंता हो रही है, क्या चिंता ये कि वैक्सीन नहीं लगे जब तक स्कूल स्टार्ट ही होने चाहिए। स्कूल में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सवाई मानसिंह स्कूल के भी बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि स्कूलों में संक्रमित हुए छात्रों का आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है, ये रिपोर्ट है। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने वाले उन यात्रियों को राहत दी गई है जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली है। रेलवे प्रबंधन ने तय किया है कि जिन लोगों ने दो डोज ले ली है उन्हें मंथली पास और टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इन यात्रियों के लिए रेलवे ने रेलवे यूटीएस ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए वो अपना पास रिन्यू करा सकते हैं और नया पास ले सकते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन में अगर आपको सफर करना है तो लंबी कतार में अब आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले सीजन टिकट हो या फिर डेली टिकट जो है वो सिर्फ स्टेशन पे काउंटर पे मिलते थे। लेकिन लोगों को होने वाली असुविधा को सामने रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब ये निर्णय लिया है कि उनका जो यूटीएस ऐप जो लॉकडाउन के वक्त पूरी तरह से बंद था उसे फिर से एक बार कार्यान्वित किया है। अगर आपने दो डोज लिए हैं और अगर आपके पास यूनिवर्सल पास है तो आप इस यूटीएस ऐप के द्वारा जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं। आसानी होगी लोगों को टिकट बुक करने के लिए और रेलवे प्रशासन का यही मानना है कि लोग जो लंबी कतारों में खड़े रहते उससे उनको छुटकारा मिलेगा और यूटीएस ऐप से उनका समय भी बचेगा। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।